पूर्व मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से पंगा लेना एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल इस युवक ने पूर्व मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। गाजीपुर पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को न केवल चिन्हित किया बल्कि सोमवार को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। आइए आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर के साथ क्या हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मंत्री राजभर 14 मई को कासिमाबाद विधानसभा क्षेत्र में अपने आवास रसड़ा से कासिमाबाद आ रहे थे। वो जैसे ही कासिमाबाद थाना क्षेत्र के परजीपाह गांव के पास पहुंचे कि किसी अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पर फोन आया। फोन उठाते ही वो व्यक्ति उनसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बात करने लगा। इतना ही नहीं, उसने धमकी तक दे डाली। नाम पता पूछे जाने पर आरोपी ने कुछ नहीं बताया और पूर्व मंत्री समेत पूरे परिवार को धमकाने लगा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर को पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। उन्होंने अपने तहरीर में लिखा है कि उक्त घटनाओं को वो पहले भी पुलिस को बता चुके हैं। इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर बीते 16 मई को अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज किया था। मोबाइल नंबर के आधार पर उस व्यक्ति की तलाश में लगी थी। पुलिस ने आरोपी युवक सुनील पांडे पुत्र बागीश पांडे निवासी मोहम्मदपुर कुसुम थाना कासिमाबाद का पता लगा लिया है। आरोपी को सोमवार की सुबह 10 बजे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह ने बताया कि आरोपी सुनील पांडे ने मोबाइल फोन पर धमकी देने की बात स्वीकार कर ली है। ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।